हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ एक वीडियो, तो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, मैंने कल खिचड़ी बनाई थी। ये खिचड़ी है और थोड़े से चावल हैं। तो खिचड़ी में चावल मिलाऊंगी, तो ये भात है इसको मिला लूंगी, तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। इसका डो जो बनाएंगे हम, ये तो इसमें डाल लेंगे। हमें थोड़ी सी 2-3 मिर्चें काटी हुई है मैंने, ये डाल ली है। और गाइस, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, मिर्च, मसाला तो नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी, डालेंगे हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि खिचड़ी में हल्दी पड़ी हुई है। और गाइस, इसको चटपटा बना लेंगे। तो इसमें डालेंगे हम तीखी मिर्चें और लाल मिर्च, हरी मिर्चें हमने डाली दी हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि खिचड़ी में भी नमक है, इसलिए हम कम डालेंगे नमक को। और गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ ना डालते हुए थोड़ा सा डाल लेंगे हम ये धनिया का पाउडर। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से हाथ से मिला लेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और हम इतना तवे को रख लेते हैं गैस के ऊपर। तो गाइस, बहुत बढ़िया परांठे बनते हैं। और जो कभी आपके पास खिचड़ी हो या चावल हो, दाल हो, तो आप उसके परांठे बना सकते हो। उसको वेस्ट नहीं करना, बेकार नहीं करना है। तो ये गाइस हम परांठे बना लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिला लिया है, अब हम तवा रखते हैं गैस के ऊपर। तो गाइस, ये हमारे पास आटा मैंने मल के रख लिया था, और ये हमारे पास इसमें पलथन है लगाने के लिए। तो गाइस, हम सबसे पहले करें इसका एक पेड़ा ले लेंगे, और इस पेड़े को हम अच्छे से, बहुत अच्छे से, प्यार से इसको इस तरीके से हम गोला बना लेंगे, और बिल्कुल एकदम राउंड शेप में बनाएंगे। और इसको फिर हम इस तरीके से पलथन में लगा करके इसको बेल लेंगे। गाइस, घर में जो सामान बचा रहता है उसका बेकार भी नहीं जाता है और काम में आ जाता है, और बहुत ही बढ़िया हेल्दी नाश्ता बनता है। इसका बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन मैं परांठे बना रही हूँ। गाइस, हम गैस को थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको बना के एक साइड में रख लिया है। अब हम दूसरा पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, हमने पेड़े को अच्छे से बना लिया है, बहुत प्यार से और गोल। तो इसको भी हम पलथन में लगा करके इसको भी बेल लेंगे। तो गाइस, ये हम बेल रहे हैं इसको, ये हमने इसको बेल दिया अच्छे से। अब इसके इसमें डालेंगे हम, इसको हम एक एक रोटी के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 रोटियों के अंदर बना के दिखा रही हूँ आपको। तो गाइस, इसको हम इसकी स्टैपिंग जो है, ये हमने खिचड़ी और चावल थे हमारे पास, वो हमने बेकार नहीं करके परांठे बना दिए। इसके अंदर हम ये भर लेंगे, अच्छे से भरिए। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो गाइस, इसको इस तरीके से हमने कहीं पे खाली नहीं रहने देना है, सारी तरीके से इसको अच्छे से भर लेना है। ये हो गया है, और ये जो हमने रोटी बेली हुई थी, ये जो रोटी हमने बेली है, इसको रख लेंगे इसके ऊपर से इस तरीके से, और थोड़ा सा इसके ऊपर आटा लगा लेंगे, आटे का हाथ इस तरीके से गाइस, और इसको हम बेल लेंगे। इधर भी हम थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, हल्के हाथ से बेलना है। तो गाइस, ये हमने बेल लिया इसको। तो गाइस, हमने परांठे को रख लिया तवे के ऊपर, और जब तक ये पकता है तब तक हम दूसरे परांठे की तैयारी कर लेते हैं। हम दूसरे परांठे को भी इसी तरीके से गोला ले लेंगे, इसमें एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से, और इसको पलथन में लगा करके इसको भी हम बेल लेंगे। इसको बेल के हम साइड में रख लेंगे, और दूसरा पेड़ा बना लेंगे इसका भी। तो गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मोटा परांठा खाना है, पतला परांठा खाते हो आप, वो आप अपने तरीके से बना सकते हो, पेड़ा छोटा बड़ा ले सकते हो। तो ये भी बेल लेंगे हम, ये दूसरे बेले दूसरे पेड़े को भी हमने बेल लिया। तो गाइस, ये हो गया रेडी। अब हम देखते हैं परांठे को दूसरी तरफ, तवे के ऊपर है जो, तो हम इसे पलट लेंगे परांठे को। तो देखिए, अच्छे से बन गया है, सिक गया परांठा। अब इसमें लगा लेंगे हम, तो गाइस, ये मेरे पास सरसों का तेल है, इसको मैंने अच्छे से पका लिया है, पका के मैंने ठंडा करा हुआ है, कढ़ाई में इसको गर्म कर दिया था मैंने। और ये गाइस, इसको इस तरीके से हम तेल को लगा लेंगे।
सरसों का तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल जो है, आप इसको कढ़ाई में गरम करके और इसको एक बर्तन में रख सकते हो। जब आप परांठे बनाओ तो आप उसमें परांठे बना सकते हो। फिर कच्चे तेल की जो है वो स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं आती उसमें। तो गाइस इसको हम पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया परांठा। और इसमें तेल जरा, हाँ ये जो ऑयल है हम उसको अच्छे से लगाएंगे, तो परांठा जितना क्रिस्पी हो बनेगा उतना अच्छा लगेगा खाने में। तो इसकी साइडों को दबा लेंगे हम अच्छे से। ये मोटे मोटे हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो ये पतले हो जाएंगे और सिक भी अच्छे जाएंगे। तो गाइस देखिए इस तरीके से, जो इसमें एक्स्ट्रा है इसको हम तवे में डाल देंगे, ऑयल जो है इस तरीके से। और अब देखते हैं नीचे से कैसे बना है परांठा। ओहो गाइस ये तो बहुत ही करारा बन गया, ज्यादा ही करारा बन गया है। इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। ये देखिए इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम दूसरे परांठे को रखते हैं गैस के तवे के ऊपर। तो गाइस हम दूसरे परांठे को भी रख लेंगे तवे के ऊपर। परांठा आप मोटा बनाओ पतला बनाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे खाना है। मैंने थोड़ा मोटे बनाए हुए। अब हम परांठे को पलट लेंगे और इसमें हम ऊपर से नहीं लगाएंगे इसमें ऑयल को, हम नीचे डालेंगे इसमें तवे में डाल करके लगाएंगे इसमें, तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा परांठा। तो गाइस हम ऊपर से लगा लेते हैं ना, वो इतना क्रिस्पी परांठा नहीं बनता जितना कि हम तवे में डालेंगे तो परांठा क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए हम पर एक ऑयल को डाल लेते हैं। तो हम डालेंगे तवे के चारों तरफ इस तरीके से डाल देंगे हम, और इसको थोड़ा सा नीचे से इस तरीके से करेंगे, जो ऑयल है वो नीचे चला जाए। और इसको इस तरीके से चलाएंगे हम, साइडों को थोड़ा पतला कर लेंगे दबा के। और दबाने का कारण ये भी है कि ये साइड में पक जाते हैं अच्छे से। तो गैस बीच में तो ये पक ही जाते हैं, साइड को थोड़ा थोड़ा दबाना पड़ता है। अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, वो जैसे हम ऊपर लगाते हैं उसकी बात अलग है और इसकी बात अलग है। तो हर चीज का अपना स्वाद है, बनाने का तरीका अलग अलग है। तो गैस इसको हम इस तरीके से करके फिर इसको नीचे तक उठा लेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे परांठे को। देखो गाइस कितना बढ़िया, एकदम हेल्दी नाश्ता, बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बना हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे ऐसे। देखो तो गाइस इसको रख लेंगे हम इसके ऊपर, तवे पर रखेंगे हम नीचे, गैस को कर लेंगे हम बंद। और देखिए गाइस कितना बढ़िया नाश्ता बना हुआ है, एकदम परफेक्ट। तो गाइज इसको हम दही के साथ खाएंगे। अब इसमें कटोरी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, जो नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और आप वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू।